आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को अपने गृह जनपद पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ तथा ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। शनिवार को संगोष्ठी समारोह में होंगे शामिल। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कथा ज्ञान यज्ञ की निकाली गई शोभा यात्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज एवं राज संत महंत अवैधनाथ महाराज की साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। कथा व्यास ने कहा, व्यक्ति का वर्तमान उसके कर्मों का ही है फल। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला पंचायती विभाग फॉगिंग के साथ करा रहा है हाइपोक्लोराइड का छिड़काव। डीपीआरओ ने कहा, डेंगू से बचाव के साथ लोगों को किया जा रहा है स्वच्छता के प्रति जागरूक। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला बैंकर सलाहकार समिति की बैठक। बैंकर्स को पूरी निष्ठा से कार्य करने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर बीजेपी द्वारा लगाया गया स्वास्थ्य शिविर। कुष्ठाश्रम में वितरित किया गया राशन के पैकेट। प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की गई कामना। नगर निगम द्वारा पूजा पाठ के साथ धूमधाम से मनाई गई भगवान विश्वकर्मा की जयंती। वर्कशॉप पर स्थापित की गई भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला पंचायत राज विभाग द्वारा संचालित की जा रही तमाम योजनाएं। डीबीआरओ ने कहा, ग्राम प्रधानों के साथ संवाद के साथ अन्य योजनाओं पर किया जाएगा कार्य। शुक्रवार को चला वैक्सीनेशन का महाअभियान। जिला अस्पताल सहित जनपद में 200 केंद्रों पर कुल 67,106 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 54,202 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 12,904 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर जिला महिला चिकित्सालय में पीएम केयर फंड से निर्मित ऑक्सीजन प्लांट का महापौर ने किया उद्घाटन। कहा, 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन की है क्षमता। 24 घंटे निर्बाध मिलेगी मरीजों को ऑक्सीजन। गोरखपुर में शुक्रवार को नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,410। अब तक 849 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान। 15 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर जटाशंकर गुरुद्वारा में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। रक्तदाताओं ने अपनी स्वेच्छा से किया रक्तदान। गुरुद्वारा के अध्यक्ष ने कहा, रक्तदान है महादान। और राप्ती सहित जनपद की तीनों नदियां खतरे के निशान से नीचे। राप्ती नदी खतरे के निशान से 23 सेंटीमीटर पहुंची नीचे, लेकिन अभी भी 263 गांव बाढ़ प्रभावित। जिला प्रशासन लगातार करा रहा है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की मॉनिटरिंग। लोगों को दिया जा रहा है राशन किट।